साथियों, मैं सत्येंद्र यादव और आप देख रहे हैं फौजी डिफेंस अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वर्कआउट लेकर आया हूँ जिसमें आप बन सकते हैं 1600 मीटर के एक अच्छे धावक और अच्छे रनर, और 1600 मीटर में आप एक्सीलेंट मारोगे अगर आप ये वर्कआउट करते हैं। दोस्तों, अगर आप अच्छा रनर बनना चाहते हैं तो आपको रनिंग के पहले हमारा ये वर्कआउट करना पड़ेगा। और रनिंग के पहले आपको बता दूं क्या करना है। आपको रनिंग के पहले आपको वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा कौन सी एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों, अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली तो आप एक 1600 मीटर में एक्सीलेंट मारोगे, और मारोगे, जरूर मारोगे अगर आप एक्सरसाइज करते हो। अगर आप ये समझ लो कि आप रनिंग कह के अच्छी दौड़ बना लो, एक्सीलेंट मार लो, तो ये संभव नहीं है। आपको रनिंग के साथ साथ आपको एक अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। अगर आप अच्छा रनर बनना चाहते हैं तो अच्छी आपको डाइट भी लेनी पड़ेगी। और आपको डाइट लेनी है सब देसी, जो आप लोग जो खाते हैं जो डाइट में, अगर आपको डाइट प्लान चाहिए तो आप बता सकते हैं हमें कि आपको डाइट में क्या खाना है, तो हम अगले वीडियो में बना के बता दूंगा कि आपको कौन सी डाइट लेनी है आप। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, और मैं जो ये बता दूँ, आप अगर रनिंग करते हैं और रनिंग करने के साथ साथ अगर वर्कआउट नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज अच्छी नहीं करते हैं, तो आपका इम्प्रूवमेंट अच्छा नहीं आएगा। अगर आपको अगर इम्प्रूवमेंट अच्छा चाहिए तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको सेफ में आज तीन एक्सरसाइज लेकर आया हूँ आपके लिए। और आपको अगर आपने ये तीन एक्सरसाइज फॉलो कर लें तो आप ये अच्छा रनर बन सकते हो। आप बन सकते हैं 1600 मीटर की एक अच्छी धावक, और आप एक्सीलेंट मारोगे, ये मेरी गारंटी है। आपको बताऊंगा आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको सिर्फ तीन एक्सरसाइज बताऊंगा, वो करनी है सिर्फ आपको। चलो हाई नहीं, आपको हाई नहीं करनी है। हाई नहीं करते एक टाइम आपको खींच के रखना है। जितना आप पैर को ऊपर ले जाओगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अगर आप हाई नहीं अच्छे तरीके से करते हो तो सबसे अच्छा रनर लोग यही कहते हैं। और आप भी अगर करेंगे तो आप 1600 मीटर की एक अच्छे धावक बन सकते हो। चलो नॉर्मल, अगर आपने एक एक्सरसाइज तीन रिपीटेशन लगाने हैं आपको, आपको 30 से 30 सेकंड के करने हो, आपको सिर्फ हाई नहीं अच्छे तरीके से करनी है, तभी आपको अच्छा परफॉर्म मिलेगा, अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अब आपको मैं दूसरी एक्सरसाइज बताऊंगा कि आपको कौन सी करनी है। देखो, आपको खींच के रखना है, ये नहीं कि आप कोई सी एक्सरसाइज, ये हमें जो बताऊंगा आपको सिर्फ ऐसा ही करना है। आप एक महीने करोगे तो आपको इसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा कि कितना क्या मिलता है इससे। चलो, अगर दोस्तों आप भी ये वर्कआउट करते हैं, आप भी पसीना बहाते हैं, तो आपको मिलेगी फौजी की वर्दी। अगर आप फौज में जाना चाहते हैं तो आपको ये वर्कआउट जरूर करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि हम वीडियो देख कर और ये वीडियो देख कर हम वर्कआउट कर लें या हम इससे रनर बन जाएँ, तो ये संभव नहीं है। आपको भी पसीना बहाना पड़ेगा। इन बंदों की तरह जो हमारे बंदे आते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, और ज़्यादा बंदे नहीं है हमारे यहाँ जो मेहनत करते हैं, वो ही यहाँ पर रह पाते हैं, और नहीं तो नहीं रह पाते, क्योंकि यहाँ बहुत हार्ड वर्क होता है। और आपको सिर्फ खींच के रखना है, सिर्फ पूरा खींच के और लेग बाहर रखना। चलो स्टार्ट, चलो बाहर आना चाहिए। आपने अगर ये वर्कआउट कर लिया तो आप 1600 मीटर में एक्सीलेंट मारोगे। आपको इसके भी तीन रिपीटेशन लगाने हैं। अगर आपने ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से करी है तो आप भी 1600 मीटर में धावक बन सकते हो और एक्सीलेंट मारोगे। और आप अगर ये सोचो कि हमने वीडियो देख ली, एक दो दिन किया और फैन ही किया, तो इससे कुछ नहीं होगा भाई। आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। जब आप कंटिन्यू करेंगे वर्कआउट, तभी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अब आपको मैं तीसरी एक्सरसाइज बताऊंगा कि आपको कौन सी करनी है। आप देखते रहिए मेरा वीडियो। चलो, अगर आपने भाई वीडियो को आप फॉलो करोगे, हमारे वीडियो को, हमारे वर्कआउट को, तो आप भी 1600 मीटर की एक अच्छी रनर बन सकते हो, और आपको मिलेगी फौजी की वर्दी अगर आप पसीना बहाते हो तो। आपने अगर ये वर्कआउट कर लिया तो आप समझो कि 1600 मीटर की एक अच्छी धावक बन सकते हो। चलो खड़े हो जाओ। दोस्तों, अगर आपने ये वर्कआउट कर लिया तो आप समझो कि आप 1600 मीटर की एक अच्छी रनर तो बनोगी। आप मारोगी एक्सीलेंट 1600 मीटर में, और आपको मिलेगी फौजी की वर्दी। अगर फौजी की वर्दी चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया और हो गया, तो इससे नहीं, आपको बहाना पड़ेगा पसीना। आप जब पसीना बहाओगे तभी आपको वर्दी मिलेगी। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको भी ये वर्कआउट को फॉलो करना है। और
अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमारा हमें कमेंट करके बताएं कि सर ये वीडियो चाहिए, तो मैं आपको अगले में वीडियो बना के बता दूंगा। जय हिंद जय भारत।